अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन सदीकी। वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है एडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम जो टूल स्टडी करने जा रहे हैं, बजाहिर तो वो एक बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है क्रॉप टूल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉप टूल को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्रॉप टूल की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी डिले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ मेरे पास एक इमेज ओपन है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल व्यू है। इसमें एक छोटा प्लांट नजर आ रहा है और एक बड़ा प्लांट नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी इमेज ना मिले, जस्ट एक जो बड़ा प्लांट है ना वो ही मिले, तो उसके लिए हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप टूल हम कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, ये देखें जी, लेफ्ट साइड पे थर्ड नंबर पे जो हमारे पास टूल है, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ वो एक पॉपअप विंडो ओपन कर देता है कि जी क्रॉप टूल किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये फोटोशॉप का बहुत ही जबरदस्त फीचर है कि हम किसी भी आइकन पे लेके आएंगे, वो उसके साथ एक हमें टिप देगा कि जी इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का जो शॉर्टकट की है वो है सी, या हम डायरेक्टली यहाँ से क्रॉप टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर हम जस्ट सी प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम करते हैं अपनी इमेज को क्रॉप। आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन बनाएंगे हम इसकी। यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, ये ले सी, मैं चाहता हूँ कि जी मुझे इतनी इमेज मिले। अब जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो इसने एक्टिवेट कर दिया है और बाकी जो एरिया उसने डल कर दिया, यानी कि वो डी सेलेक्ट है। जिस तरह मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास इमेज क्रॉप होके आ जाएगी। ये ले, ये देखें जी कुछ इमेज इस तरह की आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है, मुझे थोड़ा और एरिया इसमें इंटर करना है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप दोबारा से क्रॉप टूल को एक्टिवेट करेंगे और जो एरिया आपको चलाइए चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी पूरी इमेज उसने दोबारा से हमें दे दी कि जी जोन सा एरिया आपको चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जी कितना एरिया मुझे सेलेक्ट होगा, ये ले जी। तो गाइस ये था क्रॉप टूल का एक सिंपल सा फीचर। अब हम देखते हैं क्रॉप टूल के साथ हम और क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं ये इमेज दोबारा से रिकवर ना कर पाऊँ, मुझे सिर्फ यही इमेज चाहिए, मेरी सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, मैं सिर्फ ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी ये एरिया और मुझे ना मिले, तो यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल्स इस बॉक्स को आप चेक कर दें, ठीक है, और इंटर करेंगे। आप जब दोबारा क्रॉप टूल एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास वो इमेज डिलीट हो चुकी होगी, आप दोबारा उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आपके पास सिर्फ वही इमेज आ रही है जो हमने क्रॉप की, इसको करते हैं कंट्रोल सी। अब हम देखते हैं क्रॉप टूल का एक नया फीचर। चूंकि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है और इसके बाहर का जो एरिया था वो हम डिलीट कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो थोड़ा सा एरिया ऊपर से जो स्काई है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से एक्टिवेट करेंगे और ये देखें जी यहाँ पे हम चाहते हैं इतना स्काई आ जाए, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, वो डिलीट हुई हुई है। इसके साथ जो आप ये देख रहे हैं कंटेंट अवेयर का बॉक्स नजर आ रहा है आपको, चेक बॉक्स, आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है, और आप एंटर प्रेस करेंगे तो मैजिक देखिएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, ठीक है, हियर वी गॉट द रिजल्ट्स। ये देखें जी उसने ऑटोमेटिकली वहां पे स्काई क्रिएट कर दिया, उसने स्काई का कुछ सैंपल लिया और उसी को दोबारा उसने वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। थोड़ा से ये अनरियलिस्टिक तो लग रहा है लेकिन बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम साइड का कुछ एरिया ऐड करना चाहेंगे तो दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, ये थोड़ा सा एरिया ऐड करते हैं और दोबारा से हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें वो एरिया कॉपी करके दे देगा, उसका सैंपल लेगा और उसके साथ कंटेंट अवेयर का फिल्टर अप्लाई करके हमें एक्चुअल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ये देखें लाइक दिस। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्रॉप टूल के और कौन से फीचर्स आ सकते हैं जी। यहाँ मेरे पास एक इमेज और ओपन है, ये वाली। अब देखें जी ये लड़की जो है यहाँ पे बुक पढ़ रही है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि बुक टेढ़ी भी है और इसका थोड़ा सा एंगल भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जो ये बुक है इसका जो पेज है ये डायरेक्ट हमारे पास स्ट्रेट होके आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप
टूल, ठीक है, क्रॉप टूल का आप विंडो ओपन करेंगे तो सेकंड नंबर पे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल आ रहेगा। एक कॉर्नर को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे इसका दूसरा कॉर्नर सिलेक्ट और उसके बाद ये तीसरा कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। अब जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखें जी कुछ 3D क्यूब्स हमारे पास जो हैं वो आ गए हैं, और जब मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा फिर आप मैजिक देखिए लाइक दिस। ये देखिए उसका अंगूठा जरूर थोड़ा सा आ गया क्योंकि वो पेज के ऊपर था, ये हमारे पास पूरा पेज आ गया और हम इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप क्रॉप टूल को यूज करके अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हैं? यहाँ देखिए जी, यहाँ का जो एरिया है ये मैं चाहता हूँ कि जी ये एरिया मुझे स्ट्रेट लाइन में आए, इमेज मेरी थोड़ी सी बैलेंस हो जाए, क्योंकि अक्सर जब हम इमेज वगैरह कोई कैप्चर करते हैं, कैमरे से कैप्चर करें या मोबाइल से कैप्चर करते हैं, तो हमारी इमेज अक्सर थोड़ी सी टेढ़ी आ जाती है, या कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, कभी अप, कभी डाउन, हमारा हैंड जो है वो शेप हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जी ये जो लाइन है ना ये मुझे स्ट्रेट मिले, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो किस तरह करेंगे, हम स्ट्रेटनिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसके बाद जस्ट हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो हमारा एक कॉर्नर है, ठीक है, उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे जाके अपने माउस का जो बटन है उसको रिलीज कर देंगे। लाइक दिस, ये देखें जी हमारी इमेज स्ट्रेट हो चुकी है। तो गाइज ये था Adobe Photoshop का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने क्रॉप टूल को कम्प्लीटली स्टडी किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।